और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि बिहार से आ रही है। बिहार की सियासत में जबरदस्त भूचाल है क्योंकि जेडीयू और बीजेपी में खटपट की खबरों के बीच आज कई बैठक होने वाली है। पहली और सबसे अहम बैठक जेडीयू की है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पार्टी विधायकों और सांसदों से मुलाकात करने वाले हैं और आगे की रणनीति को लेकर फैसले पर मुहर लगा सकते हैं। उधर आरजेडी कांग्रेस की भी अहम बैठक हो रही है। बीजेपी से जेडीयू के गठबंधन तोड़ने की खबरों के बीच सभी की नजरें आज होने वाली बैठक पर टिकी हुई है। तो एनडीए का साथ छोड़ने की खबरों के बीच नीतीश कुमार की आज की बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई है। एनडीए से अलग होने का ऐलान भी किया जा सकता है, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। सियासी संकट के बीच आरजेडी कांग्रेस का भी मंथन चल रहा है। तो क्या नीतीश कुमार अलग होकर आरजेडी और कांग्रेस का दामन थामेंगे, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से बिहार की राजनीति में जबरदस्त बदलाव की उम्मीद की जा रही है। तो बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है। भारतीय जनता पार्टी तय करेगा कि जदयू का कौन मंत्री होगा। बिहार की सियासत में आज क्या बड़ा होने वाला है? क्या आज से बिहार की सियासत का नया अध्याय खुलने वाला है? इन सवालों पर पटना से दिल्ली तक मंथन तेज है। वजह है आज पटना में होने वाली तीन बड़ी बैठकें। जी हां, बिहार में बैठकों का दौर है। सीएम नीतीश कुमार जेडीयू विधायकों और सांसदों की बैठक लेंगे तो आरजेडी और कांग्रेस ने भी अपने अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है। एक ही दिन तीन दलों की ये बैठक संयोग है या प्रयोग, इसे लेकर अटकलें तेज हैं। लेकिन बिहार की सत्ता के खिलाड़ी फिलहाल इन अटकलों पर पानी डालने की कोशिश में लगे हैं। कुछ भी नहीं ऐसा, कुछ भी ऐसा नहीं अब जिसकी चर्चा आप लोग कर रहे हैं। अब आप लोगों की मर्जी क्या अर्थ लगा रहे हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है। चौराहे पे कोई चर्चा होती है तो उसको हम अपना एजेंडा बना लें। अब लोग की मर्जी, चर्चा करने वाले अब कैसे चर्चा करते वही जानेंगे ना। ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल कोई बात नहीं है। कहां से मतलब धुआं कहां से उठा? अभी तो अब आग कहां है इसका स्रोत पता कीजिए। हम लोगों को तो ना आग दिख रही है ना धुआं दिख रहा है। हर दल अपना बैठक बुलाता है, इसमें किसी को रोक है क्या? हम लोग भी अभी पांच दिन छह दिन पहले हमने भी अपने सभी सांसद विधायकों को बुलाया था। उपेंद्र कुशवाहा कुछ कहें, लेकिन पिछले दो दिनों के घटनाक्रम और बयानबाजी से साफ साफ इन अटकलों को बल मिल रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी से खुश नहीं है और पार्टनर बदलने के विकल्पों पर सोच रहे हैं। सूत्रों से ये भी खबर है कि नीतीश कुमार की कांग्रेस नेतृत्व से भी बात हुई है। नीतीश कुमार जी एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियन, एक डेमोक्रेट है और कांग्रेस के साथ पहले भी काम कर चुके हैं। नीतीश कुमार जी के साथ मैं भी बहुत पहले काम कर चुका हूँ, हम पुराने मित्र हैं, साथी हैं, इसीलिए संवाद करना कोई गलत बात नहीं। अगर संवाद किए होंगे तो अच्छा, अच्छी बात है। बिहार की सत्ता में तीन बड़े दल हैं। विधानसभा में सीटों का समीकरण ऐसा, जो भी दो दल आपस में मिल जाएं उनकी सरकार। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों का समर्थन जरूरी है। 79 सीटों के साथ आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के 77 और जेडीयू के 45 विधायक हैं। अभी नीतीश बीजेपी के साथ हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या वो पाला बदलकर फिर से आरजेडी के साथ आएंगे या आरजेडी उन्हें गले लगाएगी। फिलहाल इशारों इशारों में बात हो रही है। अगर राष्ट्रपति शासन, पहले तो ये तय हो कि क्या हो रहा है। अभी तो सिर्फ बयानबाजी हो रही है, बयान असहज कर रहे हैं बिहार के सरकारों को, तो देखा जाए आगे क्या। अगर मौका मिलेगा सरकार बनाने के लिए आरजेडी स्वस्थ है, वो बिहार जो आदेश करेगा वो किया जाए। नेता प्रतिपक्ष वही करेंगे जो बिहार का आवाम आदेश करे। तमाम अटकलों के बीच कल गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच बात होने की खबर है। 6-7 मिनट की बातचीत में क्या हुआ इसका खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन इतना तय है कि आज के घटनाक्रम पर इस बातचीत का असर जरूर नजर आएगा। पटना से रोहित सिंह और सुजीत कुमार झा के साथ सुप्रिया भारद्वाज और हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।